वेलकम व्यूअर्स, मैं हूं अनीस फारूकी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं प्राइम टाइम टेक टीवी पे देखते हैं। आज एक एपिसोड लेकर आए हैं और इस एपिसोड का एक ख़ास दिन है, यानी कि आज जब जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं 14 फरवरी। 14 फरवरी दुनिया भर में लोग प्यार और मोहब्बत बांटने के लिए याद रखते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बांटते हैं। और जब हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत से लोग एक दूसरे को सुर्ख फूल पेश कर रहे थे, केक काटे जा रहे थे, केक बांटे जा रहे थे, उसी वक्त हिंदुस्तान के एक कश्मीर से पुलवामा के इलाके में उसी दिन एक खून रेस, सुर्ख खून से एक होली खेली गई थी। आप सबको याद होगा, आज उसको एक बरस गुजर चुका है। इसको शायद बहुत से लोग भूल गए हों, लेकिन वो लोग जिनके अपने, जिनके प्यारे अपनी जान से गए और उनके चाहने वाले, देश से मोहब्बत करने वाले, शायद इसको कभी ना भूलें और ना हम किसी को ये भूलने देंगे, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी से खेलने की ये खूनरेज होली का सिलसिला बंद होना चाहिए। सबको मालूम है कि कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर है, कौन ज़िम्मेदार है, किसको सज़ा मिलनी चाहिए, इस सब पे आज बात करेंगे। ताहिर असलम गोरा साहब को वेलकम करते हैं। सर कैसे? देखिए थैंक यू जी, बड़े अफसोस का दिन है जहाँ वैलेंटाइन के साथ जुड़ी हुई इस दिन की हर साल यादें होती हैं, वहाँ पर अब एक बरस से ये जुड़ गया है पुलवामा अटैक के साथ। और साउथ एशियन दुनिया में जहाँ कहीं भी रहते हों, वो अब हर साल 14 फरवरी के पुलवामा अटैक को बिल्कुल भी याद करेंगे। और ये वो बदनसीब दिन भी है जब मैं समझता हूँ कि साउथ एशिया में पीस के अगर कोई पोटेंशियल इम्कानात भी थे तो इस दिन की स्याहकारी ने, यानी वो जो पुलवामा पर हमला हुआ था, पुलवामा के मुकाम पर जहाँ पर भारत के 40 नौजवान शहीद हुए और सुइसाइड बॉम्बर भी मरा, तो वो मेरा ख़्याल है कि अब पीस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं राहें इस वाक़े के बाद। तो लश्कर जैश मोहम्मद, मैं लश्कर तैयबा कहने लगा था लेकिन पाकिस्तान में लश्कर तैयबा हो, जैश मोहम्मद हो, पता नहीं कोई सैकड़ों, वही मैंने कहा ना, स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर, सैकड़ों नाम, प्रॉक्सीज, अनबिलीवेबल। ठीक है, बाकी दुनिया तो अंधी है ना जैसे। हाँ, दुनिया वैसे अंधी बन भी जाती है, खैर इस पर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि आप गूगल की कोई भी वेबसाइट उठा लें, जब भी पुलवामा अटैक की बात होगा तो परपेट्रेटर जो होगा उसका नाम जैश मोहम्मद ही लिखा हुआ है। और आप देखिए, मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर के मामला पर हमेशा से ताल्लुकात कशीदा रहे, मगर पुलवामा अटैक वाले दिन से कशीदगी ने अपनी इंतहाओं को छुआ। जंग के किनारे पे आके खड़े हो गए, जंग जो है वो जंग के किनारे पे आके खड़े। कई दफ़ा पीछे भी ऐसा हुआ, ना सिर्फ जंग के किनारे पे, माजी में भी आए, बल्कि जंगें भी हुई जी। लेकिन ये वाला जो पुलवामा अटैक के बाद का जो मामला है, वो फिर जैसे ही होता है ना इंडिया की तरफ से कि इनफ इज़ इनफ, बिल्कुल। और उसके बाद हमने 2 हफ्तों बाद बालाकोट का स्ट्राइक का 26 को हुआ, 26 तारीख को जी 26 को बालाकोट की स्ट्राइक भी हुई। फिर उसके बाद एक पॉसिबिलिटी पाकिस्तान की तब की न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये होती थी कि शायद मोदी साहब की जब नई सरकार बनेगी जी, अगर वो बनी, उनको उस वक्त तो यही ख्याल था कि बनती है कि नहीं बनती, 2.0, हाँ, तो वो बनी जो कि मई में वो दोबारा री इलेक्ट हुए, तो उनका ये ख्याल था कि हमारी बातचीत होगी। मगर पुलवामा का जो अटैक है उसने किसी किस्म की बातचीत के रास्ते भी बंद कर दिए, बंद कर दिए हमेशा हमेशा के लिए, काफ़ी अर्से के लिए समझ लेंगे अब काफ़ी। अब ये, अब वो रास्ते कैसे खुलेंगे, भारत का बड़ा वाजे ये कहना है भारत ने बंद नहीं किए, भारत ने दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन उस उन्होंने कहा कि ऐसे जो है ना वो पुराने दिन चले गए। हाँ, वो मैं ये कहना हालात ने बंद कर दिए। हाँ, भारत ने सिर्फ ये कहा कि बारूद के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती। बिल्कुल, भारत ने कहा कि बारूद का माहौल ख़त्म करें जी,
फिर बातचीत की बात सोची जा सकती है। तो कहते हैं ना कि बम बारूद का माहौल ख़त्म करें तो दम दरूद की बात करते हैं। हाँ। ये लोग दोनों साथ साथ बात करते हैं। आपने जैश मोहम्मद की बात की ना, तो जैश मोहम्मद, जैश का मतलब आपको मालूम है कि एक तरह की मर्सनरीज, और मोहम्मद की मर्सनरीज यानी नाउज़ुबिल्लाह मैं तो ये कहूँगा कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को मतलब वही मेरा बदनाम करने वाली बात, वही मेरा पॉइंट है कि आप एक ऐसे मोहम्मद का नाम लेके कि जिसको जिसने किसी को कंकर नहीं मारा हो, जिसने और जिस पे कचरा फेंकने वाली बुढ़िया की जो कि रोज़ाना गुजरते थे तो उससे तबीयत पूछने वो पहुँच गया जिस दिन वो नहीं फेंका उसने कचरा, उनका नाम इस्तेमाल करके हमारी रियासत अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए बेगुनाह नौजवानों का पुलवामा में खुदकुश हमले में उनको शहीद करती है। देखिए उससे पहले भी ये जो प्रॉक्सी टेररिज्म है ये इसकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है जी, और उसके पीछे जाहिर है ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे पाकिस्तान की तरफ से वो रियासत है यानी एस्टेब्लिशमेंट है जी। और ये बात अब आपके या मेरे कहने की नहीं है, पूरी दुनिया ये कह रही है और ये बात रोज़े रोशन की तरह अब आयरनी क्या है कि दुनिया तो कह रही है लेकिन दुनिया फिर चलने भी दे रही है, दुनिया ने मान भी लिया है। उन जो वो कहते हैं कि जी हम नहीं शामिल थे तो वो कहते हैं ठीक है आप नहीं थे, अमेरिका भी कहता है कि ठीक है, उन्होंने कहा कि हमने थोड़ी किया इसी तो किसी और ने किया प्रॉक्सी ने किया, तो ठीक है फिर आपने नहीं किया, सब उनको पीछे से थपकी भी दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट फेयर। देखिए वो दुनिया भी अपने यानी जिस तरह के कहना चाहिए दोगलेपन का मुजाहरा करती है, कभी कहती है कि आपने किया, हाँ कभी कहती नहीं किया। जैसे पुलवामा के मामले में दो टॉक तौर पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी मजम्मत की जैश मोहम्मद की जी, और जैश मोहम्मद कौन है सबको पता, सब है लश्कर तैयबा के हाफिज सईद, जो भी आप बात कर रहे थे मैं जोड़ना चाहूँगा आपकी इजाज़त के साथ कि हाफिज सईद के ऊपर मुकदमे चलते रहते हैं, कभी वो जेल जाते हैं बाहर आते हैं उनके बारे में कहा जाता है फाइव स्टार जेल्स होती हैं उनको हाउस अरेस्ट में रख देते हैं, वो एक अलग से ग्रोह चलाते हैं लश्कर तैयबा के नाम से। और हाफिज सईद अब फिर अभी द मोमेंट यू एंड आई टॉकिंग उससे एक दिन पहले ही हाफिज सईद को कन्विक्ट करके 5-5.5 साल की सजा सुनाई है, 15,000 रुपये की रुपए का जुर्माना किया है जो शायद 100 अमेरिकी डॉलर भी नहीं बनते जी, जी। और जबकि अमेरिका ने ही हाफिज सईद पर 10 मिलियन डॉलर की बाउंटी रखी हुई है। ठीक है पाकिस्तान की कोर्ट ने, मैं ये कहूंगा कि आई वॉश के लिए $100 $100 भी नहीं बनता अमेरिकन जी। वो फाइन कर दिया है और कुछ सालों की सजा सुनाई है, और जबकि 10 मिलियन डॉलर की अमेरिकन ने बाउंटी रखी और फिर अमेरिकन कह रहे हैं कि ये एक बड़ा खुशाइन बात है सर पाकिस्तान में कि हाफिज सईद को कन्विक्शन नहीं, मतलब क्या जो अमेरिकन बैठे हुए हैं पाकिस्तान में उनके सफारत खाने के उनके इंटेलिजेंस के क्या उनको पता नहीं है बिल्कुल हाफिज सईद कौन है बिल्कुल, कि क्या आप ये देखें ना कि हमारे मुल्क में उस्तादों को डॉक्टरों को इंजीनियरों को पॉलिटिशियन को सिर्फ इल्ज़ाम लगा के एक FIA के ज़रिए पुलिस के ज़रिए गिरफ्तार करके उनको हाथों में हथकड़ियाँ बांध के पेश किया जाता है, और एक कन्विक्टेड टेररिस्ट हाफिज सईद को एक हथकड़ी नहीं लगी। आपने देखा किस VIP से किस सीना चौड़ा करके वो निकला है अदालत से। उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आई वॉश है या ये जो ड्रामेबाजी ड्रामा है वो उस वक्त होता है कि जब अगले रोज FATF का इजलास है जी 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 टाइमिंग देखें हम ठीक है क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि अच्छा हाफिज सईद पे बहुत दिनों से दोबारा मुकदमा चले उसमें तेजी आ गई, लेकिन एकदम से एक दिन पहले कैसे होता है जी, वो FATF के बाद भी हो सकता था 100% जब इतने दिनों से डिले कर रहे थे तो ये सारी बातें अगर आप और मैं सोच रहे हैं तो लोग भी सोच रहे हैं पूरी दुनिया को भी पता है, लेकिन फिर पूरी दुनिया के आपस में कोई ना कोई लेन देन के इंटरेस्ट होते हैं कोई ना कोई रीजनल इंटरेस्ट बड़े गेम जैसे बिग गेम हाँ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उसमें वो बज़ाहिर ओवरलुक कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको और मुझे दिखाने के लिए उस तरह की बयानबाजी होती है। मुझे नहीं लगता कि ये बात काबिल कबूल होगी FATF को भी नहीं होगी मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि वो अपनी जगह पे एक लेकिन फिर अप्रिशिएट भी किया है एलिस वेल्स ने आपने देखा जी 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 जी, ये तो बड़ा अच्छा काम कर दिया पाकिस्तान को थपकी भी दे दी शाबाश। हाँ मतलब वो इस तरह एक दफ़ा ट्रंप साहब ने भी कह दिया था जब इससे पहले पकड़ा गया था हाफिज सईद को ट्रंप ने कह दिया मुझे बड़ी खुशी हुई है जी कि एक टेररिस्ट को पकड़ लिया जी, कोई सवाल ये है कि वो टेररिस्ट कहीं छुपा हुआ था या तो अपने घर में ज़ाहरा ज़हीन रहता है जी
یا وہ حکومت پاکستان کی جو ریاستی مشینری ہے اسٹیبلشمنٹ ان کی نگرانی میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. بالکل, مطلب وہ کہیں ہائڈ تو نہیں کر رہا, چھپا ہوا تو نہیں ہے. تو ٹرمپ صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ پر بھی سوائے ہنسی کے کیا ان کو جو بتایا گیا ان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ دیکھیں پاکستان نے ایک ٹیررسٹ کو پکڑ لیا, مطلب اپنی گھر سے پکڑ کے باؤنٹی رکھی ہوئی تھی 20 ملین ڈالر باؤنٹی رکھی ہوئی تھی, اپنے ہی گھر میں سے ایک کرسی سے اٹھا کے دوسری کرسی پہ بٹھا دیا. وہ اگر ہائڈ کوئی کر رہا ہو, چھپا ہوا ہو, کہیں غار میں سے نکالو گے, ٹھیک ہے, کیو میں سے آیا, تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے. پھر تو ٹرمپ صاحب کو بھی میرا پوائنٹ وہی نا طیب بھائی, کہ جو آئرنی ہے دنیا کی, کہ دنیا بھی اس بات کو نہیں سمجھتی کہ کس طرح کا ڈراما, ڈپلومیٹک ڈراما کھیلا جاتا ہے, کس طرح کی آئی واش کی جاتی ہے کہ حافظ سعید کو جو ہے وہ پکڑ لیا. اس کے علاوہ احسان اللہ احسان ملٹری کسٹڈی سے فرار ہوتا ہے, اسکیپ ہوتا ہے, ترکی میں جا کے بیٹھتا ہے بیوی بچوں سمیت. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دیکھیے احسان اللہ احسان کی آپ نے بات یاد دلائی, اے پی ایس کا مرڈرر, یہ وہ شخص ہے جس نے کئی ٹیررسٹ اٹیکس کی ذمہ داری قبول بھی کی, ترجمان صرف اے پی ایس کی نہیں جی, کئی ٹیررسٹ اٹیکس کی قبول کی. اور مجھے یاد ہے کہ جب یہ پاکستان میں نمودار ہوا تھا غالباً 2 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے تو اس کو جیسے مطلب ایک جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں جوائی بنا کر نا, بالکل بالکل عزت آبرو کے ساتھ گھر دماد بنا کر کس طرح اس کی اعلیٰ پریس کانفرنس گیسٹ ہاؤسز میں رکھا گیا. پھر یہ کہا گیا کہ انفیکٹ یہ اب زیر حراست ہے جی, یہ ایک وہ جب جیل میں تھے, ایک بچوں کا قاتل, ایک دہشت گرد, اس نے اس جیل میں جو کہ گیسٹ ہاؤس تھا, وی آئی پی طریقے سے رہتا تھا, وہاں پہ اس کی وائف بھی رہتی تھی, اس کے دوسرے بچے بھی رہتے تھے, اس دوران میں اس کے یہاں بچہ بھی پیدا ہوا, اور اس کے بعد وہ ان سب کو لے کے سکون سے سڑک کے راستے, ہوائی جہاز کے راستے, پانی کے راستے کیسے نکلا, ترکی پہنچ گیا. پاکستان جو کہ انتہائی سیکیور, جہاں سے ایک پشتون جو ہے وہ ایک چوکی سے دوسری چوکی تک اپنے پورے کپڑے اتارے بغیر نہیں جا سکتا, احسان اللہ احسان نکل گیا. تو احسان اللہ احسان بھی پشتون ہی ہے نا, اچھا والا, گڈ والا, ہاں گڈ والا پشتون, گڈ والا. تو اس کو جانے دیا گیا. اب سنا ہے کہ ترکی میں جا کر انہوں نے اپنا کوئی آڈیو ریلیز کیا ہے. جی جی جی, اور یہ وہ صورتحال انفارچونیٹ. جوک میں جوک کی بات کر رہا ہوں, آپ جوک جوڑیے کہ حافظ سعید کا جوک, احسان اللہ احسان کا جوک, اور اوپر سے پھر کہتے ہیں کہ یہ گل بخاری کیسے نکل گئی, یہ گلالئی کیسے نکل گئی, یہ کیسے نکل گیا. دس از لائک واٹ کائنڈ آف میسج آر یو گیونگ ٹو دا ورلڈ؟ آپ نے نام لیا گل بخاری, تو خیر بقاعدہ طور پر چونکہ برطانوی گلالئی اسماعیل, ہاں نہیں میں سمجھ رہا ہوں, برطانوی سٹیزن بھی ہیں, آپ نے ذکر نام ان کا لیا. بہرحال وہ انگلینڈ میں ہیں, پاکستان بھی آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس وقت جو ایک سائبر کرائم کریٹ کر کے ان کے خلاف کیا گیا, شاید ہم آگے چل کر بات کریں گے ان کے خلاف, یہ وہ بھی قابل مذمت ہے. گلال علی اسماعیل وہ وہاں سے نکلیں, چونکہ ان پر بھی زندگی کافی اجیرن کی کر دی گئی, بوڑھے بزرگ والدین پہ کر دی تھی, تو وہ تو خیر وہ وہاں سے نکلی ہیں, اب نیو یارک پہنچ گئی ہیں ان کا, تو وہ بہرحال جیسے بھی کوشش کر کے نکلی ہیں پہنچی ہیں. لیکن احسان اللہ احسان تو باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی یہی لگتا ہے بالکل کہ مدد سے نکلے ہیں. اچھا فرض کیجئے اگر یہ سچ ہے, جیسا کہ لگتا ہے سچ ہی ہے, ترکی میں ہے, تو ترکی کون سا ایسا پاکستان کا غیر دوست ملک ہے جہاں سے اس کو واپس نہیں بلایا جا سکتا؟ بالکل بالکل, بلکہ ترکی سے تو بلایا جا سکتا ہے, ابھی اردگان پہنچے ہوئے وہاں پہ پاکستان. اب لیکن ترکی کے ساتھ تو پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور اسلامسٹ ایشوز پر ترکی کے ساتھ وہ کہہ سکتے ہیں وہ ایک ہی الائنس ہے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ بات ایون ڈسکس بھی ہوگی, یہ تو نہیں, چونکہ یہ کوئی, یہ تو معمولی سی بات ہے. وہ عمران خان کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, معمولی سی بات ہے. احسان اللہ احسان خان کا مسئلہ ہو معمولی سی بات ہے, لیکن یہ حافظ سعید کا معاملہ یہ ایک اہم بات ہے. اسی لیے تو انہوں نے آئی واش کے لیے وہ فیٹف کے اجلاس سے ایک روز پہلے یہ سارا کنوکشن کا ڈرامہ رچایا. بالکل رچایا, بالکل. اس سے پہلے بھی حافظ سعید کے معاملے میں کتنے ڈرامے نہیں ہوئے, بالکل. دوبارہ پلوامہ پہ واپس آئیں گے, تو پلوامہ بھی ایک انتہائی سیریس انسیڈنٹ تھا, جیسا کہ اگرچہ اس کا بڑا زبردست جواب بالا کوٹ کی صورت میں دیا بھی گیا, بڑا افیکٹو دیا گیا, جس کے بعد جسے کہتے ہیں کہ آنسو تو خوش نہیں ہوئے جن کے لوگ گئے تھے, لیکن ایک تسلی سی ہوئی کہ ہماری سرکار نے کم از کم بدلہ تو لیا. دیکھیے بالا کوٹ کے معاملے میں میں ایک بار یہ بات, ایک سال کا عرصہ ہو چلا ہے, دوبارہ دہراؤں گا,
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی وہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا, چند ایک دو درخت تھے ان کو اڑا کے چلے گئے. پھر ایک بار جو بھارت کی طرف سے کہا گیا ہم نے ایک مدرسے کو اڑایا. چلیے یہ دونوں باتیں فرض کیجیے, ٹھیک, ہم اپنی جگہ پہ کہتے ہیں جی ان کے کوئی شواہد یا ان کے کوئی ایویڈینسز نہیں موجود. چلیے ایک لمحے کے لیے پاکستان کی بات مان لیں کہ بھائی کوئی نقصان نہیں ہوا, ٹھیک ہے, لیکن کیا پاکستان کا اس سے بڑا کوئی نقصان ہے کہ بھارت کے ایک درجن کے قریب طیارے پاکستان کی حدود میں جاتے ہیں, چاہے ایک بم بھی پھینکا ہو, ایک بم پھینکتے ہیں اور بغیر کسی تکلیف کے واپس آ جاتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے سر. آپ بم کو بھی چھوڑ دیں, میں تو کہتا ہوں کہ انہوں نے خالی اپنا تیل جلایا, خالی تیل جلا کے آ گئے. ایک سوورن نیشن کے اندر 12 طیارے جاتے ہیں, گھوم کے واپس آ جاتے ہیں, اس سے زیادہ ایک سوورنٹی پہ کیا کسی مطلب آپ کس طرح کی نیشن ہو کہ جس کا جب دل چاہے اندر آتا ہے, کوئی ایبٹ آباد میں اسامہ کو لے جاتا ہے, کوئی کسی کو لے جاتا ہے, 12 طیارے آ کے انڈیا کے چلے جاتے ہیں اور یہ تو کہتے ہیں کچھ کیا نہیں, جبکہ انہیں تو پورا جیش محمد کا کمپاؤنڈ ہی صاف کر دیا تھا. چلیے جی, میں یہی بات اس پہ ہی میں زور دے رہا ہوں کہ چلے کمپاؤنڈ پہ بھی ہم بحث نہیں کرتے, پھر یہ کہیں گے ہمیں دکھائیں یہ وہ کیسے خود کیسے مان لیں گے وہ, لیکن یہ بات تو مانتے ہیں نا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ والے کہ ایک درجن کے قریب طیارے آئے پاکستان, یعنی بالا کوٹ تک گئے جی اور خیر خیریت سے واپس آئے جی جی, اور یہ کچھ نہ کر سکے. بالکل, اینڈ آف دا اسٹوری ہے, دیٹ از اٹ, یہ اینڈ آف دا اسٹوری ہے. اس سے بھارت کی جو کیپبلٹیز ہیں سرجیکل اسٹرائکس کی, اپنے جو ان کا دشمن ہے اس دشمن کے اندر گھس کر آنے اور پیغام دینے کی, اس کا ایک نمونہ تھا ویسے چھوٹا سا. بھارت نے اپنی کیپیبلٹیز کا, اپنی ملٹری افیکٹونیس کا ایک چھوٹا سا سیمپل پیش کیا تھا. ابھی تو رافیل بھی آ گئے ہیں, اب کیا ہونا ہے, اب یہ اڑتے ہیں تو پھر تو آپ دیکھ لیجئے. تو یہ چیز, اور جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں جو وائز ڈیسیجن انڈین گورنمنٹ نے بالا پلوامہ کے بعد لیا تھا, انہوں نے پروپورشنیٹ جواب دیا ہے. دے آر ناٹ لائک پاکستان کے جو کہ ایک وار فوبیا کریٹ کر کے رکھے ہیں کہ بھارت ہمارا دشمن. بچہ بھی بولتا ہے بھارت ہمارا دشمن, ہم دلی میں جا کے ناشتہ کریں گے, ہم ادھر ترنگا پاکستان کا پرچم لہرائیں گے, لال قلعے پہ جائیں گے. بھارت نے کبھی نہیں بات, وہ یہ کہتے ہیں کہ پروپورشنیٹ جواب دیں گے. 12 طیاروں کا جواب دے دیا سکون سے بیٹھ کے, کیونکہ انڈیا کی آپ نے بھی ہسٹری کی ہوگی, میں بھی دیکھتا رہتا ہوں کہ وار میں دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ, آف کورس نیور, دے ہیو دیئر اون $5 trillion اکانومی کا ٹارگیٹ ہے, انوائرمنٹ ہے, اسپیس اپر ریسرچ ہے, اس پہ کام کر رہا ہے, میڈیکل ہے, ایجوکیشن دیکھیں ان کی کہاں پہنچ گئی ہے. سو ان کی ڈائریکشن ہی کچھ اور ہے. لیکن ایک فرق آیا ہے بھارت کی اس رجیم کا, یعنی مودی صاحب جب سے دوسری سرکار میں آئے ہیں, ان دونوں سرکاروں میں انہوں نے یہ تو کہا کہ ہم وار میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, لیکن سیکیورٹی کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز اب نہیں کریں گے. چونکہ آپ دیکھ لیجئے بمبئی کا اٹیک, آپ یاد کیجئے سارا کتنا خوفناک واقعہ تھا, یہی حافظ سعید ہی اس کے پیچھے انوالو تھے نا, اور ان کے پیچھے ظاہر اسٹیبلشمنٹ تھی. مطلب اب تو کوئی ڈکی چھپی بات ہے, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. وہ جیسے میر تقی میر کا پرانا شعر ہے جو ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ بچہ بچہ جانے ہے گل, وہ جانے نہ جانے تو گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے, لیکن وہ گل کو بھی پتا ہے. میں یہاں گل بخاری کی بات نہیں کر رہا, وہ ان کے ساتھ تو بیچاری خود سفرر ہیں. یہاں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو گل ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ اصل کیا کھیل ہے. اس کو جو پشتون بھائی کہتے ہیں گل خان, اس کو گل خان کہا جاتا ہے. جو ہماری جو یہ جو فوج کے اندر جو وہ لوگ جو کہ پشتون ہونے کے باوجود بھی پشتونوں کو مارتے ہیں, ان کو گل خان کہا جاتا ہے. تو جانے نہ جانے, گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے کہ حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, اور کس طرح سے ان دی اینڈ پھر وہی میں دو ڈیسیجن کی بات کرتے ہوئے کہ اس کنٹری کو ایک جوک بنا دیا گیا ہے سیڈلی. اب آپ اگر اپنی ایک طرف دیکھیں کہ بھارت کی لوک سبھا کے آپ ویوز دیکھیں, ٹھیک ہے, وہاں بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں, شور ہوتا ہے, پیپر پھاڑے جاتے ہیں. ایک طرف پاکستان کی قومی اسمبلی کو دیکھیں ہم, تو آپ کو شرم آتی ہے ایز اے پاکستانی اس نظارے کو دیکھتے ہوئے جو کہ اسمبلی کے ممبران ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں. صرف زبان ہی نہیں, ان کی جو انالیسس کا یا چیزوں کو سمجھنے کا جو, اور جو جھوٹ بتاتے ہیں جو 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 نیریٹو ہے وہ اتنا بچکانا ہے,
एग्जैक्टली इतना बचकाना है। चलिए वो तो सबको पता है कि पाकिस्तान की जो असम्बली के लोग हैं वो कितने बेबस हैं, कितने उनकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट है, पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जो डीप स्टेट है पाकिस्तान की, सैडली उनकी आप हरकतें देख लीजिए जी, वो पाकिस्तान को आज तक उनसे कोई फ़ायदा ना हुआ, पाकिस्तान आधा हुआ बिल्कुल 71 में बिल्कुल इन्हीं की हरकतों की वजह से। बिल्कुल सही बात है। आज जिस तरह की ये बयानबाजी करते हैं, चाहे बाहर बैठे हुए इनके रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ हों, चाहे हाजिर जज जर्नैल साहबान हों, और वही मैं बार बार बात इस तरफ ला रहा, चूँकि आज हम पुलवामा के और बालाकोट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वो जिस तरह का पुलवामा पर ये इनको रसवाई हुई, और फिर जिस तरह बालाकोट में ये हमला हुआ जी, हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमले की नौयत को चाहे आप जो मर्जी माने, ठीक है, कि कहीं जी जीरो है, सौ है, जीरो टू सौ, आप जहां पर चाहे रखें, लेकिन ये तो अहम बात है ना कि 80 किलोमीटर अंदर आपके तैयार है आए, आपकी कंट्री के अंदर आए और वापस गए, और ये बात वो नहीं कह रहे, ये आप खुद मान भी रहे हो, ये खुद भी एस्टेब्लिशमेंट, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं मानेगी तो क्या चाह रहा है उनके पास, पूरी दुनिया के सैटेलाइट बता रहे हैं। वो ये तो ये कहते हैं कि जी वो आए और कोई हमारा नुकसान नहीं कर सके, तो जो पहला पार्ट है आए, वही शर्म से डूब मर जाने का मुकाम, वही नुकसान है, वही सब एक कौम के लिए, एक सॉवरेन नेशन के लिए शर्म का मुकाम है। मैं कहता हूँ अगर कोई बनाना रिपब्लिक अफ्रीका की भी होगी ना, तो वो भी जो है ना चढ़ दौड़ेगी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि तुमने की। लेकिन आप इतने हमारे अक्सर एनालिस्ट ये कहते हैं ना कि लड़ने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, वी दिस आर्मी कैन नॉट फाइट, तो क्या फाइट कैसे करें, दिस आर्मी कैन नॉट गो टू बैटल ग्राउंड, कैसे करें, सोशल मीडिया पे करा लें अपन से काम, कैपेबिलिटी की बात है ना, एबिलिटीज की बात है ना, बिलियंस ऑफ रुपीस का बजट सालाना होता है सर, बिलियंस ऑफ रुपीस तो छोड़िए, मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खा चुके, ये अब तक जब तक पाकिस्तान बना है ये खूह खाते में क्या है, बिल्कुल ठीक है, जाया हुआ है, बिल्कुल ठीक, अगर ये कश्मीर का एक इंच भी ले सके होते हाँ तो वो पैसा वसूल हो जाता, तो मैं ये कहता कि चले कोई एफर्ट इनकी है, चाहे मैं उसे एग्री करता ना करता, हाँ लेकिन उन्होंने अपना काम किया, अपना काम किया, हाँ। कश्मीर का ये एक इंच नहीं ले सके, बल्कि आधा पाकिस्तान इनके हाथ से गया 71 में, और जो कश्मीर जो अपनी तरफ से डिस्प्यूटेड कहते थे जी कि जी ये हमारी तरफ से डिस्प्यूटेड है, वो अब भारत की तरफ से इनफैक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल भी नहीं रहा जी, वो इंटरनेशनल बाउंड्री हो चुकी है, exactly. वो उनकी यूनियन टेरिटरी हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो गई, भारत का नक्शा बड़ा हो गया। अब एक साल बाद पुलवामा के अटैक, एक साल बाद अभी हमने रिसेंटली फिर एक दो दिन में देखा, तमाम जो बड़े बड़े ममालिक इंडिया में बैठे हुए सफारती अमले हैं उनके, वो सब गए हुए थे जी कश्मीर, और इंक्लूडिंग बांग्लादेश, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, आप ये देखिए कि इंक्लूडिंग बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गए वहाँ पे घूम के आए, और नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर, नो कंप्लेंट्स, दोबारा बोल रहा हूँ, व्हाट्सोएवर, बिल्कुल देखिए, और ठीक है 5 अगस्त कश्मीर में जाके, 5 अगस्त से यानी जब से आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन हुई है, तब से अब तक आप देख लीजिए कितना कम टेररिज्म हुआ है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था किसी इंटरनेशनल एजेंसी की, जिसमें उन्होंने यही बताया हुआ कि 5 अगस्त से अब तक कश्मीरी मिलिटेंट्स की जो भर्ती है वो कुछ 60% से कम हो चुकी है। अच्छा 60% से मिलिटेंट अब कम जा रहे हैं, बिल्कुल, एज अपोज टू 5 अगस्त से पहले जी, तो वो अमन अमान किसको मिला, किसको नसीब मिला, उस वादी को, भारत को भी, कश्मीरियों को भी, मुसलमानों के लिए भी वो अमन उनके तोहफे में आया जी। बड़ा शोर अभी तक इमरान खान डालते हैं जी कि ये कर्फ्यू ख़त्म हो जाने दें, कर्फ्यू ख़त्म होगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। भाई कर्फ्यू तो है ही नहीं, कर्फ्यू तो बहुत जज्वी तौर पर चंद इलाकों में था, वो उसको भी ख़त्म हुए एक ज़माना हो गया, कर्फ्यू ख़त्म होते ही वो दफ़ा 144 सेक्शन 144 लगी, वो भी ख़त्म हो चुकी, अब तो इंटरनेट भी बहाल है, टेलीफोन भी बहाल है, आई ना खबरें बाहर, अगर इंटरनेट बहाल है, जब ये इंटरनेट पे कुछ पाबंदी भी थी तब भी बैनुल अक़वामी मीडिया गए हुए थे, बीबीसी ने शुरू शुरू में रिपोर्टें
शाया कहीं, पब्लिश की, कुछ उनकी वीडियो क्लिप्स गए कि यहाँ पर कुछ हुआ है, वो एक आदि गया। जी जी जी। अब बीबीसी जैसा इदारा जो टारगेट करके बैठा हुआ है भारत को, जी, जी, उनके अंदर जो बैठे हुए एंटी भारत या लेफ्ट के लोग हैं, वो भी कोई एक और वीडियो क्लिप के अलावा कुछ दिखा नहीं सके। और वो एक और वीडियो जमात इस्लामी के बड़े लोग गए ना, हाँ, वीडियो, वो एक आध वीडियो क्लिप में भी को भी बाद में तर्दीद ही करनी पड़ी बीबीसी के कुछ रिसोर्सेस को। वही मैं कह रहा हूँ कि इंटरनेट ऐसी चीज है ये फोन कि इसको आप छुपा नहीं सकते हैं। देखिए ना, दो मिनट में वीडियो बनाएंगे और वो अपलोड हो जाएगी। चलिए फर्ज कीजिए जी, जब वो इंटरनेट पे पाबंदी थी, वीडियो तो बन सकता था ना, वही मैं कह रहा हूँ, अपलोड ना हो सकता, बाद में कर देते, बाद में हो सकता है, क्योंकि वहां से किसी कश्मीरी को दिल्ली जाने में कोई पाबंदी तो नहीं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली तो चलें फ्लाइट लेके चलें, हर कोई अफोर्ड ना भी करे, फर्ज कीजिए बस पे बैठे पंजाब में चले जाएं आप चंद घंटों में, बिल्कुल, तो पंजाब में तो कोई मसला नहीं था ना, बिल्कुल, वही जो वीडियो बना हुआ है दोबारा लोड कर दे, वो पंजाब से आप लोड होने में कितने 8 घंटे बाद, इसको रोक कोई नहीं सकता, कोई नहीं रोक, इस चीज को कोई नहीं रोक सकता। एंड दैट इज द पॉइंट, इट इज अ शेम कि इमरान खान की जो खून की नदियों के जो थे वादे वो सब के सब खत्म हो गए। वो तो उनका ख्वाब था, अपने मुल्क में खून की नदियां बह रही हैं, ठीक है, सैडली अपने मुल्क में जो है वो आप असेंबली को आप जोक बना के रखा हुआ है, कोर्ट्स को जोक बना के रखा हुआ है, आर्मी को जोक बना के रखा हुआ है। जो अगर हम आपको सच्ची बात करते हैं, डिसिडेंट बात भी करते हैं, तो वो FIA के ब्लैक लॉस बनाते हैं बैठ के असेंबली में। वो ये लॉ नहीं बनाते कि हम अपने मुल्क की एजुकेशन कैसे अच्छी करें, वो ये बनाते हैं कि ताहिर गोरा ने बोला क्यों ऐसा, गुल बुखारी ने ऐसा बोला क्यों। तो दिस इज़ अ जोक, इट्स अ बनाना रिपब्लिक, इसको जो है अनफॉर्चुनेटली सही होना पड़ेगा सर। देखिए इट्स नॉट टू लेट, मैं अभी भी कहता हूँ कि सही हो सकता है अगर ये मामला जो है ना, ये जोकर्स, ये सर्कस, ये बंदर तमाशा ख़त्म करें। देखिए हम वेलविशर हैं उस रीजन के, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये जोक ख़त्म हो। अवाम जो इस वक्त महंगाई के हाथों पिस रही है, अवाम इस वक्त अनसर्टेनिटी के हाथों पिस रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर देख लें, और अभी जो मैंने बात की हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर जो पाकिस्तान की आर्मी ने कश्मीर के नाम पर खर्च किए हैं, चूंकि जाहिर है इतनी बड़ी आर्मी है, सर्वाइवल के लिए, तनखाओं के लिए, असले के लिए बिलियन, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर 17 साल में लगने ही, गोल्फ क्लब के लिए भी चाहिए होते हैं, कई मरले के रिटायरमेंट पैकेजेस के लिए भी चाहिए होते हैं, यही काम। अब देखिए ना, पाकिस्तान आर्मी के अपने वो सीरियल बनाने के भी वो हैं फैक्ट्री, जी जी, दलिया बनता है, सीमेंट की सीमेंट बनता है, फौजी फाउंडेशन, अगर वो यही इसी कारोबार में रहे ऑनेस्टली और अवाम के भले के लिए कहें जी कि ये जो आर्मी, हम ये नहीं कहते उनकी आर्मी ख़त्म कर दें, आप बिल्कुल सरहदों की हिफाजत भी करें, साथ साथ आप अपने मुल्क की डेवलपमेंट करें, जिस तरह चीन की आर्मी ने की, जाहिर है वहाँ का कम्युनिस्ट समाज था, वो स्ट्रक्चर और था, चलिए आपके यहाँ सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है तो आपके यहाँ भी बदतरीन कम्युनिस्ट समाज ही, बिल्कुल, जो आर्मी ने रखा हुआ है 100%, ठीक, आप उसी के तहत डैम बना दें, यही आप वही जो पैसा इधर कश्मीर 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 के नाम पर लगा रहे थे, और इसी यही पैसे को आपने अब तक अवाम की फलाह के लिए लगाया, बिल्कुल, भारत के साथ दोस्ती की होती, भारत की इतनी ज़्यादा टूरिज्म थी पाकिस्तान में, चूँकि सारी रिलीजियस उनकी, जो चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे बुद्ध हों, सो इतनी उनकी इम्पोर्टेंट जगह हैं इस तरफ, तो वो अगर चलिए नहीं किया आपने, आज तो समझ लें, यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर हंड्रेड्स बिलियन डॉलर गए जी, ज़ाया हो गया, कोई बात नहीं, आज तो समझ लें, आज जब हम पुलवामा एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं, और इमरान खान जो अहमकाना बयान दे रहे हैं, जिस पर खुद पाकिस्तान की आवाम हंस रही है कि जी वो पता नहीं, वो जब वहाँ पे ख़त्म होगा कर्फ्यू तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, भाई कर्फ्यू तो ख़त्म हुए एक ज़माना हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत जुज़वी था और बहुत चंद इलाकों में था, अभी तो अगला 5 अगस्त आने वाला है, कितनी दूर है, एक साल होने में कितनी दूर है, टाइम फ्लाइज, ठीक है ना, इट फ्लाइज, तो उसमें क्या होगा कि एक साल के बाद फिर इमरान खान क्या बोलेंगे, वैसे भी उनके भी ज्यादा लंबे दिन रहे नहीं, बचे नहीं, क्योंकि जिस तरह की वो शायद तब तक पता नहीं रह भी नहीं पाते क्योंकि आने वाले 1-2-4 महीने बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। लेकिन इमरान खान तो कुछ भी नहीं ना, आपको ये भी मालूम है, ये भी है, ये फर्क नहीं पड़ता, तो हम इमरान खान को ब्लेम करें, रहे ना रहे, बिल्कुल ठीक बात, हम क्यों उसको ब्लेम करें, मसला तो ये कि खुद अपने आप को ब्लेम करें, एग्जैक्टली मैं कहाँ फंस गया वो भी ये सोचता होगा कि यार ये तो मुझे जो है ना किस पौड़ी में डाल दिया, लेकिन पता नहीं उनमें इतनी बसीरत है कि नहीं, अनफॉर्चुनेटली नज़र तो नहीं आती। तो अब अगर ये पाकिस्तान
अभी अगर मैं ये 3-4 महीनों का एक पीरियड लेके उसको मैं एनालाइज करता हूँ, डस्ट इज सेटलिंग डाउन गोरा साहब, थोड़ी बहुत डस्ट इज सेटलिंग डाउन। पुलवामा एक साल हो गया, बालाकोट हो गया, दोनों आमने सामने जंगों की सूरत में नहीं खड़े हुए, नाराज बैठे हुए, बातचीत नहीं कर रहे हैं बस आपस में, लेकिन और कोई सीरियसनेस नहीं है। इंडिया अपनी इकनॉमी पे फोकस करके बैठा हुआ है, पाकिस्तान की इकनॉमी डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है। चाइना हेल्प नहीं कर रहा है, चाइना ने आपको एक ऐसा कर्ज़ा दे दिया है कि जो आपके हड्डी फन के फंस गया गले में। सो बेसिकली व्हाट आर द चॉइसेस देन फॉर पाकिस्तान? देखिए, आपने बात की कि दोनों ममालिक नाराज़ एक दूसरे के साथ बैठे हुए, मैं ये समझता हूँ कि अब वो सिचुएशन भी नहीं है। पाकिस्तान नाराज़गी अफोर्ड नहीं करता, भारत ने नाराज़गी वाला काम बंद कर दिया, भारत ने एक फर्म स्टैंड ले लिया कि भाई आपसे हमने नाराज़ भी नहीं होना, यू डू नॉट मैटर टू अस, डोंट टॉक टू अस एंड वील नॉट टॉक, गेट टू बिजी, ठीक, चूँकि आप अपने बिहेवियर को ठीक करो, भारत का ये है। अच्छा, पाकिस्तान दिखावे के लिए ऐसे बयान देता रहता है लेकिन भारत को उसकी परवाह नहीं है, और भारत को अब पाकिस्तान क्या कह सकता है, यही कह सकता है ना, वो बार बार कहते हैं, अभी भी कहते हैं, हम तो जी बात करने को तैयार हैं, भारत ही बात करने को तैयार नहीं जी। तो ये बात बिल्कुल डिफरेंट है, यानी नाराजगी भी नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो बात करने को तैयार हैं, आप ही बात नहीं करते, बारूद लेके टेबल पे तो नहीं बैठ सकते ना। तो भारत ये कह रहा है कि हमें आपकी बात ही पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक दफा कह दिया कि ये टेररिज्म की जितनी प्रॉक्सीज हैं इसको बंद करके दिखाओ दुनिया के सामने प्रैक्टिकली। हाँ, ये नहीं हो कि एक दिन पहले आप हाफिज सईद के खिलाफ 5 साल का जो है ना सजा का सुना के वो जिंदाबाद, तो वो भारत ने वो चैप्टर ही बंद कर दिया। अब जो डस्ट सेटल होने की बात है वो ये है कि भारत की इकोनॉमी तो स्टेबल है, अगर जिस पे मेरे इस जुमले पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि जी कहाँ स्टेबल है भारत की, कहाँ, खुद भारत में लोग कहेंगे, अपोजिशन के लोग कि भारत में इकॉनमी नीचे गई, ठीक है, वो जीडीपी का जो ग्राफ है 2019 में वो मुसलसल नीचे गया है, लेकिन वो कोई सिर्फ अकेला इंडिकेशन नहीं होता इकॉनमी ख़राब होने का, असल बात होती है स्टेबिलिटी की। भारत में कोई इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी के कोई हालात नहीं है, पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट के लिए आ रही है, कंसिस्टेंसी से चल रहा है। भारत में जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में को थोड़ा सा ग्राफ जो नीचे आया, बल्कि काफ़ी नीचे आया, उसकी एक वजह इंटरनेशनल बिजनेस सिनेरियो है, उसके साथ साथ मतलब वो सिर्फ भारत अकेला ही नहीं है, नहीं, आप ग्लोबल सिचुएशन देखें ना, मतलब जो दुनिया भर में हो रहा है वो सारा है, कुछ तो अभी जो वायरस आ गया, मैं वही उसकी वजह से उसी पर आना, वो तो खैर अभी बहुत रिसेंट मामला है कोरोना का। उसके अलावा जैसे दुनिया की जंगें होती हैं, दुनिया के हालात होते हैं, फिर मूवमेंट्स होती हैं, पानियों के जो मसाइल होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक लार्जर, जितनी बड़ी आपकी पॉपुलेशन होगी उस पर उतना ज़्यादा असर करेगा। फिर देखिए अनिस भाई, जो कारोबार की दुनिया में होती है सैचुरेशन पॉइंट होता है, सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी कोई किसी गलत पॉलिसियों की वजह से ऐसा हो रहा, बट यहाँ हमने कैनेडा अमरीका में देखा, गाड़ियाँ बहुत लोगों ने खरीदी जी, गुज़श्ता 25-30 साल में, आपको 5 साल में लोगों ने गाड़ियाँ खरीदना कम कर दी, कम कर दी। इसकी वजह यह कि जो आपके पास 2-3 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ, हमने कहाँ फेंकनी और क्या करें फिर, वो गाड़ियाँ तो हमने रखनी है ना आइंदा भी 4-5 साल। एग्जैक्टली, तो वो एक सैचुरेशन का पीरियड आ जाता है, वो एक सैचुरेशन का पॉइंट आता है, और वो मतलब इसी तरह हर चीज़ में होता है कि आपने स्मार्ट टीवी बहुत बना दिए, चूंकि फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन तो नहीं रुक रही, वो तो निकल रही, लेकिन कितने के स्मार्ट टीवी घर में रख लेंगे, बिल्कुल कमरे 3 हैं 3 ही मैक्सिमम आएंगे ना। और मैं कहता हूँ अगर जीडीपी नीचे गई भी है तो इस सिनेरियो को हम देखते हुए वही शेर आ जाते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। वो अच्छा, ये जी अपनी जगह पर एक हकीकत है, लेकिन मैं थोड़ी सी इकनॉमी की साइड पर आता हूँ। अब सूरत हाल ये कि भारत में पूरा अरब इन्वेस्ट कर रहा है जी, भारत में अमरीका इन्वेस्ट कर रहा है। 24-25 फरवरी को प्रेसिडेंट ट्रंप अहमदाबाद गुजरात में होंगे, भारत में होंगे, गुड, ठीक, वो एक बहुत बड़ा सर सब चीज़ों को छोड़ दें, चीन कर रहा है। अच्छा, चीन की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब आपने एक बीच में और बात की थी कि पाकिस्तान को चीन भी कुछ नहीं खास दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा चीन, कोई थोड़ा थोड़ा दे रहा है, लेकिन सैडली ये अभी बेचारा चीन जो है, हमें इस पे अफसोस है, जो कोरोना अफेक्टेड हुआ, कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह फैला, बिल्कुल उससे पाकिस्तान को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा, सेटबैक हुआ थोड़ा। वो इसलिए होगा कि जब चीन के अपने हालात
इस ट्रेजेडी के बाद इतने खराब हुए हैं, वहां पे एनवायरनमेंट चीन की इस वक्त अभी तक तो वायरस पे भी काबू नहीं पाया जा सकता। लॉसेस है ना ताहिर भाई, इनविजिबल लॉसेस चाइना के लिए बहुत खौफ, बहुत ज्यादा, बहुत खौफनाक है। मतलब ये आई फील सैड फॉर चाइना, नो डाउट। ठीक है, मैं चाइनीज, वो अच्छा खासा अपने पेस से चल रहे थे, मैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ, मगर आई फील सैड फॉर दिस ट्रेजेडी, जी ये जो वायरस आउटब्रेक हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे होगा, क्योंकि चीन जो पाकिस्तान को थोड़ी इमदाद अगर फर्ज कीजिए खुल के दे सकता था, जी अब वो चीन अपनी एक ऐसी, दे आर स्ट्रगलिंग। और मजे की बात अभी तो मैं कतक लेने की माफी, वायरस पे काबू ही नहीं पाया ना, नहीं पा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी एफर्ट्स लगाई नहीं, लगाई हुई, उन्होंने पूरा फोकस लगाया हुआ है इस वक्त, वो अपने सारे रिसोर्सेज से लगा रहे हैं इसी पे। मैं छोटा सा पॉइंट ये बताऊंगा कि कनाडा के जितने भी शहरी थे, कनाडा ने मल्टीपल चार्टर्ड प्लेन भेज के उनको वुहान से निकाल लिया, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को वो नहीं निकाल रहे ये कह के कि चीन इजाज़त नहीं दे रहा कि आप इनको लेके जाएं। मेरा सवाल ये है कि हाउ कैनेडियंस आर बोर्डिंग ऑन द प्लेन्स, हाउ अमेरिकन्स आर बोर्डिंग ऑन द प्लेन, हाउ ऑस्ट्रेलियंस आर बोर्डिंग ऑन द प्लेन, सो व्हाई नॉट अ नेशन कैन एक्सेप्ट देयर ओन सिटीजन स्टक इन अ ट्रेजेडी। देखिए, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। चीनी इस क्राइसिस में पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके कई वीडियो दुख भरे सामने देखे हैं हमने, बिल्कुल, और उनमें एक बात बड़ी उनके लिए होती थी दुख भरी कि वो इंडिया के जहाज़ आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं और हम यहाँ स्टक हैं। भारत की पार्लियामेंट में जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के आप बच्चों को लाना चाहेंगे, उन्होंने कहा हमसे अगर कोई ऐसी रिक्वेस्ट की गई होती तो हम ज़रूर कंसीडर करते। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ इस तरह की बात होना चाहिए। तो भारत तो इस मामले में भी सिंपैथेटिक है। इस मौके पे मुझे ताहिर भाई सुषमा स्वराज जी की बड़ी याद है। जी कि वो जब भी पाकिस्तान में कोई उनसे रिक्वेस्ट करता था, चाहे वो मेडिकल के लिए, कोई ट्रांसप्लांट के लिए, ईमेल कर दे, ट्विटर पे कुछ कर दे, वो टेक केयर कर लेते थे। और वो अब ये जो मौजूदा हैं लोग, ये भी कभी मना नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली नहीं, देयर वेरी सिंपल। आप बालकनी से पाकिस्तानी बच्चे खड़े होकर नीचे देख रहे हैं कि लाइन लगा के इंडियन बच्चे बसों में बैठ के जहाज़ लेके कैनेडियन शहरी जहाज़ में जा रहे हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि हम आपको बुलाना तो चाहते हैं लेकिन चाइना इजाज़त नहीं दे रहा। नहीं, लेकिन पहले तो इन्होंने, पाकिस्तान की हुकूमत ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लिया था। पहले तो उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते ही नहीं हैं कि आप आएँ, जी हम चाहते हैं कि आप वहाँ पे रहें। फिर उन्होंने ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि हम चीन के साथ ये इजहार यकजहती करना चाहते हैं। जी। मेरा नहीं ख्याल चीन को इस वक्त कुछ इजहार यकजहती की जरूरत है। अब वो उनको अपने लोगों को साथ मरवा के जा रहे हैं। मैंने एक अपने शो में अनिसब कही थी बात, मैं आज फिर दोहराता हूँ। मेरे एक क्लास फेलो थे, वो इस वक्त पिम्स में काम करते हैं, सीनियर अफसर हैं, ठीक है, चूँकि हमारी भी उम्र अब काफ़ी हो गई है, तो जाहिर है वो सीनियर ही जो भी होंगे हमारे क्लास फेलो भी, तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि मेरा नाम ना लेना, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार क्या वजह है? हाँ। कहने लगे यार दो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे इंतजाम भी नहीं है कि वो जो बच्चे वापस आए हम उनको वो अलग से आइसोलेशन में रख और उनको क्वारंटीन कर सकें, उनको आइसोलेशन में रख सकें, 15 दिन का इनक्यूबेशन पीरियड होता है, उसको मॉनिटर कर सके। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो ऐसे, सच्ची बात ये है ही नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज, लेकिन एटम बम है ना हमारे पास, तो वो एटम हमको अब क्या कर सकते, कपड़ा मारे रोजाना, वो तो मार ही रहे हैं कपड़ा ही मार रहे हैं सैडली। दुख होता है कि यू जस्ट लीव योर यू नो लाइक अपने बच्चों को आप अकेला छोड़ दोगे। आज आपने देखा एक वीडियो क्लिप, कराची की एक माँ जो है वो अपनी बेटी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो वायरल हुआ वीडियो क्लिप। जी ऐसे बहुत सारे दिल अंदोज, जिसे कहते हैं ना कि दहलाने वाले, और वो शहर सुनसान पड़ा हुआ है जहाँ से वो बच्ची जो है बैठी हुई अपने वालदैन से कराची में बात कर रही है, और जिस शहर में वो ठहरी हुई है वहाँ चीन में बिल्कुल जैसे गोस्ट टाउन बना हुआ है। बिल्कुल, एंड आई फील सॉरी फॉर दिस चाइनीज क्राइसिस। लेकिन वही फिर बात वही आ जाती है कि देखें, जब कहते हैं कि दुनिया के पासपोर्ट्स में सबकी इज्जत होती है, फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्या इज्जत रही? मतलब हु वुड लाइक टू कीप दैट पाकिस्तानी पासपोर्ट, कि जिसको आप दुनिया में कहीं रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं, योर ग्लोबल अफेयर डिपार्टमेंट कैन नॉट रेस्क्यू योर ओन सिटीजन। देखिए, वो पैट्रियटिज्म का कारोबार तो हम बड़ा करते हैं, नारे लगाते हैं पाकिस्तान की इस एस्टेब्लिशमेंट के, या हर जमाने के एस्टेब्लिशमेंट के,
99% में, ये कम नंबर बता रहा हूँ, 99.9 हो सकता है 100%, वो खुद पाकिस्तान के पासपोर्ट छोड़ कर या चले वो रखते हुए दूसरा कोई वेस्टर्नर पासपोर्ट रखने का जो ख्वाब भी ना सिर्फ रखते हैं बल्कि वो पूरी कोशिश भी करते हैं, पूरी कोशिश, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए, बड़े बड़े अफसर फौजी। आप अगर यहाँ पे लिस्ट उठाएं कभी जो CSP ऑफिसर्स होते हैं, पाकिस्तान के टीवी ड्रामों के एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, पाकिस्तान आर्मी सर, आर्मी सब, अगर आप उनको देखें तो दे आर आर्मी आर्मी वो मिसेस आगा पूरा मतलब अस्करिस्तान बना हुआ है। तो एनीवे लेकिन इस मामले को मैं मतलब कोई गलत रंग नहीं देना चाह रहा ये चाइना वाले का, लेकिन इसमें मुझे किसी ने मतलब इस बात को बड़ा मुझे समझाने की भी कोशिश की कि इन बच्चों में ज़्यादातर अक्सरियत बलोचों की भी है, वो भी वहाँ फंसे हुए हैं और शायद वो हमारे अपने नहीं हैं। लेकिन मैं इसको इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं कहता, हमारा टाइम भी ख़त्म हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, पुलवामा से हमने बात शुरू की थी और इंसानियत की बात टैग टीवी हमेशा करता है, चाहे वो वुहान का वाकया हो, वुहान में फंसे हुए पाकिस्तानियों का मामला हो, या वहाँ कोरोना वायरस से मुतासरा इंसानियत का मामला हो, या पुलवामा में जैश मोहम्मद के हाथों शहीद होने वाले नौजवानों का वाकया हो, टैग टीवी बात ज़रूर करेगा और हम करते रहेंगे। इसमें अगर आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात होनी चाहिए, बुरा लगता है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आप हमारे ख़िलाफ़ FIA में सियाह कानून, ब्लैक लॉज बनाते हैं, ड्रकोनियन लॉज बनाते हैं, बनाते रहिए। ना ट्विटर, ना फेसबुक, ना यूट्यूब किसी के बाप की जायदाद नहीं है कि जिस पे आपका हुक्म चलेगा, लिहाजा हमें इसकी कोई फ़िक्र नहीं है और ना ही गुल बुखारी आपको कोई फ़िक्र होनी चाहिए। कंटिन्यू कीप अप योर गुड वर्क एवरीबडी जो कि लिख रहा है, बोल रहा है, जहाँ जहाँ वो आवाज़ हक की बुलंद कर सकता है, प्रोटेस्ट कर रहा है, करते रहे, डरने की कोई बात नहीं है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हैव अ ग्रेट इवनिंग।